तो अभी मैं हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल व्लॉग है जो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा मैं नर्वस हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि पहली बार मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। और अभी मेरी जो फ़्लाइट है अभी यहाँ से दिल्ली से बेंगलुरु है और फिर बेंगलुरु से डायरेक्ट हॉन्गकॉन्ग भी, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है। और अभी देखते हैं। और अभी फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो गया, अभी जा रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं सीधा प्लेन के अंदर। तो गाइस ट्रिप सही चल रहा है, अभी मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पे हूँ, अभी लैंड किया हूँ। बढ़िया बढ़िया फ्लाइट थी, अभी इमिग्रेशन हो गया, इंडियन गवर्नमेंट का इमिग्रेशन हो गया और अभी मैं इंटरनेशनल लाउंज पे हूँ और फ्री का खाना खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड था और क्रेडिट कार्ड की तरफ से 3 कॉम्प्लीमेंटेड लाउंजेस फ्री होते हैं। तो मस्त खाना है, अभी आपको दिखाता हूँ कैसा खाना है। ये देखिए फ्री का एयरपोर्ट लाउंज पे खाना मिलता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप आराम से 3 बार पर ईयर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने अपना डिनर तो कर लिया है लाउंज में और मेरा तो फ्री का था, बाकी मेरी फैमिली लोग जो बैठे हैं, मेरा भाई और मेरी मदर, वो भी डिनर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर सैर करने आ गया अभी थोड़ी देर के लिए। देखने आया हूँ कि किस गेट नंबर से है। अच्छा, वो रहा गेट नंबर 41 से है। मेरा इस ट्रिप में एक बंदा मिसिंग है, मेरा ब्रदर, मैं उसको बहुत मिस करूँगा इस ट्रिप में, बट कोई बात नहीं भाई, फिर कभी घुमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो सो गाइस, बोर्डिंग हो चुकी है और बढ़ रहे हैं फ्लाइट की ओर, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप सामने देख रहे हो, यह है इमिग्रेशन हांगकांग का, बट अभी मैं हांगकांग नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ मकाऊ। तो मकाऊ के लिए यहाँ से फेरीज चलती हैं और फेरी का टर्मिनल मैं आपको भी दिखा देता हूँ, इस साइड है मकाऊ के लिए फेरी जाती है, यहाँ से जाती है, साइन दिए हुए हैं, यहाँ से बोर्डिंग है मकाऊ की। और मुझे एक बार पता चली कि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट मकाऊ जाते हैं एयरपोर्ट से तो काफ़ी कॉस्टली है, अगर आप डाउनटाउन से जाते हैं तो काफ़ी चीप है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी है, टर्बोजेट है, जो सिर्फ यहाँ से फेरी भेजती है। तो गाइस यह टर्मिनल,
और ये खड़ी है फेरी, ये फेरी जाती है यहाँ से मकाऊ। कितना मस्त टर्मिनल बना रखा है इन्होंने यहाँ से। ये जो टर्मिनल है उसकी बोर्डिंग के लाइन लगी हुई है और थोड़ा टाइम है बोर्डिंग में, इसलिए लोग वेट कर रहे हैं। भाई दिल्ली से हांगकांग आने में और हांगकांग से मकाओ आने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, और अभी सोच रहा हूँ इस वीडियो को ख़त्म करूँ पहला पार्ट को, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले था पहुँचा हूँ, थका हूँ। अभी अगले पार्ट में देखते हैं क्या क्या होता है। चलो ख़त्म करते हैं वीडियो को।